students, yesterday I have discussed with you first part of industrialization. Now I am going to discuss half or second part of this chapter. कल हमने किया था ports, Surat and Salipatnam की importance decline हुई और उसके बाद Bombay and Calcutta की importance grew. Then after 114, what happened to weavers? यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई, तो वीवर्स को लॉस क्या क्या फेस करना पड़ा. एक तो कंपनी ने स्टार्ट किया सिस्टम ऑफ एडवांस. सिस्टम ऑफ एडवांस के अंडर वीवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए. उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वीविंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए जो है वो साइन किया गया. एडवांस मिलते ही वीवर्स क्या करते हैं, कुछ वीवर्स पैसा खर्च कर लेते थे और लोन जो था वो डे आफ्टर डे या ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता ही रहा. एंड दैट्स व्हाई मेनी वीवर्स दे कॉट इन ट्रैप. डेब्ट ट्रैप कहते हैं. ट्रैप का मतलब क्या होता है, उनको एडवांस देकर फंसाया गया ताकि ये वीवर जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और के साथ डील ना करें. एंड इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में काफी हद तक वीवर्स या जो टेक्सटाइल के ऊपर कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया. इसके अलावा उनके ऊपर सुपरविजन रखने के लिए कंपनी अपॉइंटेड गोमास्टर्स. कौन थे गोमास्टर्स? पेड सर्वेंट. दीज वर पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी. इनका मेन काम क्या होता था, दे वेंट टू विलेज आफ्टर विलेज, दे सुपरवाइज द वर्क, दे सुपरवाइज द टेक्सटाइल क्वालिटी ऑफ द कॉटन. एंड समटाइम्स if these weavers were not able to give them proper quality, they were beaten up and they were punished for that also. So that's why we can say that relation between weavers and gomastas and East India Company was not sound, proper nahi tha, because in India weavers were exploited by the East India Company. theek hai, to ye kuch problem hai jiske karan India mein काफी लोगों ने रिवोल्ट किया, वीवर्स ने रिवोल्ट किया. जैसे आपने सिलेशिया में भी वीवर्स का रिवोल्ट पढ़ा हुआ. इसके बाद एक आपको स्टेटमेंट आपको मैंने याद है लिखवाई थी, हेनरी पटेलो ने ये कहा था कि इंडिया की जो कॉटन की डिमांड है ये कभी भी खत्म नहीं होगी बिकॉज इंडिया जैसा कॉटन किसी भी जगह पे नहीं मिलता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा था, दैट डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस since no other nation produced goods of the same quality. कौन से ईयर में कहा था, 1772. किसने कहा था, विनी टाई छोड़ दो. Who said these words? पता नहीं ध्यान का. मास्क प्रॉपर तोड़ दो. हेनरी पटेलो कंपनी ऑफिशियल था जिसने इंडियन टेक्सटाइल की प्रेज की थी, पर ऐसा नहीं हो पाया. रीजन क्या था, आगे जाकर ब्रिटेन की मिल्स जो थी वो अपनी कंट्री में बने हुए कपड़े को प्रमोट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे प्रेशराइज ऑन देयर गवर्नमेंट. उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ड्यूटीज लगाकर उसको कॉस्टली कर दिया जाए. और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे इंडिया की टेक्सटाइल में डिमांड कम हुई. नाउ इंडिया वॉज ओनली द मार्केट और यू कैन से एक मंडी बन गया क्या देने के लिए, रॉ कॉटन. ठीक है, अब इसका इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं. आपको इम्पोर्टेंट कुछ डाटा जो है वो याद करना पड़ेगा. इन 1811 to 12 कॉटन पीस गुड्स जो थी वो 33%, यानी कि इंडिया का परसेंटेज क्या था, 33%. लेकिन 1850 में ये कम हो गया, कितना रह गया, 3%. 1850 में ये कम रह गया, 3% रह गया. रॉ कॉटन का शेयर कितना था पहले, 5%. शेयर ऑफ रॉ कॉटन अर्लियर इट वाज 5%, बट आफ्टर 1850 इट इंक्रीज 35%. यानी कि इसका मतलब परसेंटेज से ही पता लगता है कि पहले 5% रॉ कॉटन जाता था, सारा कॉटन इंडिया में यूज होता था. लेकिन अब इसके बाद रॉ कॉटन जो है वो कहाँ पे पहुंचाने लगे, ब्रिटेन की मिल्स में, और इसकी परसेंटेज बढ़ गई 35%. ये धीरे धीरे और बढ़ती गई जिससे कि हमारे इंडिया में रॉ कॉटन की क्या हो गई, शॉर्टेज. अच्छी क्वालिटी का कॉटन फॉरन जा रहा था
और हमारे इंडियन वीवर्स के लिए जो क्वालिटी थी दैट वॉज वेरी लो. दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीवर्स एट दैट टाइम. ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और टाइम आया, जैसे हम कह सकते हैं कि 40 इयर्स के बाद, लक्ष्य से प्रॉपरली आफ्टर 40 या 50 इयर्स, कंपनी को ये लगा कि जब यहाँ से रॉ कॉटन शिपमेंट फॉरेन कंट्री आती है, कई बार क्या होता था रास्ते में शिप के ऊपर अटैक हो जाता था, शिप डूब भी जाते थे, कई बार अटैक करते थे, लुटेरे होते थे और है ना, तो सेफ नहीं होता था, एक टाइम बहुत लगता था. तो कंपनी ने डिसाइड किया व्हाई नॉट टू ओपन फैक्ट्रीज हियर, यहीं पे फैक्ट्री सेटअप करें ताकि इंडिया से ही रॉ कॉटन यहीं पे मिले, फैक्ट्रीज में काम करवाया जाए, यहीं से कॉटन से थ्रेड बनाए, थ्रेड से कपड़ा बनाए और यहीं पे बेचे, और जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो किसके पास जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई. और इसके लिए आपको एमसीक्यूज के लिए कुछ ईयर्स याद रखने हैं, आपने वैसे तो नोट किए होंगे. ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल, जब भी मैं बात करती हूँ फर्स्ट कॉटन मिल मतलब ब्रिटिशर ने, ब्रिटिश मिल थी 1854 बॉम्बे, फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में खुली थी 1854 में. फर्स्ट जूट मिल, ये ब्रिटिश थी, अगर इंडियन आएगी तो आपने सेठ हुकमचंद की बतानी है. फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल 1855. नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली एल्गिन मिल, बच्चे एल्गिन मिल का नाम है ELGIN एल्गिन 1855, हाँ जी कानपुर में 1860 एल्गिन मिल का नाम था जहां पे कपड़ा बनता था, कानपुर 1860. फर्स्ट कॉटन मिल वो, अगर फर्स्ट कॉटन मिल आता तो आएगा बॉम्बे, लेकिन अगर अहमदाबाद में आया कि फर्स्ट कॉटन मिल इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में सबसे पहले कॉटन मिल कब बनी, 1861. फिर एक ऐसी मिल जहां पे दोनों ही काम इकट्ठे हुए, स्पिनिंग भी और वीविंग भी, 1874 मद्रास साउथ इंडिया, उसको भी कवर किया गया, स्पिनिंग एंड मद्रास, स्पिनिंग एंड वीविंग मद्रास में खुली थी 1874, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मिल है, ये भी मिल ही है जिसमें स्पिनिंग और वीविंग का काम इकट्ठा होता था, 1874. ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर्स, मिल्स तो खुली, क्या सारा का सारी मनी जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगाई, इनमें से बहुत सी ऐसी मिल्स थी जिसमें इंडियंस ने भी मनी इन्वेस्ट की. तो उस टाइम पीरियड में बहुत से इंडियन इन्वेस्टर्स दे अर्न्ड अ ह्यूज प्रॉफिट्स बिकॉज दे वर द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको कॉपी करते थे, उनके साथ मतलब जो है उनकी मीटिंग्स होती थी, एंड दे वॉन्टेड टू चैनलाइज, चैनलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर उनके पास मनी है तो उसको और बढ़ाना चाहते थे बाय शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स. तो ऐसे ही कुछ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमने बताना है. एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो इन्वेस्ट करता है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, सबसे पहले बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर, बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर जिनका नाम एसोसिएटेड है 1830 से लेकर 1840 तक, 1830 से लेकर बेटा 1840 तक उन्होंने कितनी कंपनीज जो है वो सेटअप की, 6 जॉइंट स्टॉक. जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉइंट स्टॉक. तीन तरह की फैक्ट्रीज हो सकती हैं, एक तो होती है पूरी तरह से गवर्नमेंट की फैक्ट्री, एक होती है पूरी तरह से प्राइवेट फैक्ट्री. जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या होता है, 50% प्राइवेट 50% गवर्नमेंट, यानी कि इसमें से कुछ जॉइंट स्टॉक, JOINT जॉइंट स्टॉक, STOCK स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनीज. ये कंपनीज मल्टी गुड्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सी गुड्स की ट्रेडिंग का जो है वो काम करते हैं. सेकेंड,
अच्छा इन्होंने पैसा कहाँ से अर्न किया, इनके पास पैसा कहाँ से आया? चाइना, ट्रेड, चाइना में इनकी शिप जाती थी, शिपमेंट चाइना में होती थी, चाइना में क्या ट्रेड करते होंगे? हमारी कंट्री से चाइना जो है वो क्या जाता होगा, टी, स्पाइसेस, ठीक है। अब दूसरी तरफ पारसी, पारसी कम्युनिटी से एक बहुत फेमस नाम बॉम्बे, यानी कि रहते ही बॉम्बे में थे, इनका नाम क्या था? दिनशा पैटी। दिनशा पैटेट, ही वॉज अ पारसी बिजनेसमैन, लिव्ड इन बॉम्बे। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इन्वेस्टेड इन द कंपनीज। नेक्स्ट है थर्ड, जे एन टाटा, इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, जमशेद जी नुसरन वंजी टाटा। जे एन टाटा फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहते हैं इनको, जमशेद जी नुसरन वंजी टाटा। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने पैसा आम कहां से किया? चाइना, चाइना में ये क्या सेल करते थे? ओपियम। देन रॉ कॉटन शिपमेंट, बिल्कुल प्रॉपरली रॉ कॉटन प्रॉपरी बॉम्बे। देन उसके बाद है सेठ हुकमचंद, ये कौन थे? मारवाड़ी, इनकी कम्युनिटी क्या थी? मारवाड़ी, ये भी बिजनेसमैन थे, इनका नाम एसोसिएटेड है। ही सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल, ही सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल कहां पर? कैलकटा इन 1917। नेक्स्ट है जी डी बिरला, जी डी बिरला, ही आल्सो इन्वेस्टेड। अच्छा हमारी कंट्री में सबसे पहले जे एन टाटा जो थे उन्होंने फर्स्ट आयरन एंड स्टील सेटअप किया था वर्क, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सपोज अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाई ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बिकॉज ही सेट अप इन 1912, ये आपने सर ना एट्थ में पढ़ा था, ही सेट अप इन 1912 फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, बॉक्स फैक्ट्री, कहां पे की थी? जमशेदपुर, जमशेदपुर फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स फैक्ट्री। आपको याद है इसी को आगे नाम क्या दिया गया? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। अच्छा इसके अलावा प्रॉब्लम अब क्या थी? मैंने तो आपको ये बताया कि इंडियंस भी कम नहीं थे ना इन्वेस्टमेंट करने में। What at that time racial discrimination hamari country mein bhi tha and people they were discriminated on the basis of black, white and British. Hamare Indians ko us time mein British hi kehte the. So business ke related jo bhi decisions hote the these were taken by only white businessmen. Aur unka apna ek chamber of commerce hota tha. Chamber, chamber ka matlab kya hota hai? Association, chamber of कॉमर्स। प्रॉब्लम क्या थी? इसमें सारे मेंबर्स कौन थे? व्हाइट, ब्रिटिशर्स ही होते थे, नो इंडियन मेंबर वाज देयर। इसके अलावा हमारी कंट्री में कुछ फॉरेनर एजेंसीज भी होती थी, सो राइट डाउन द नेम ऑफ दीज एजेंसीज। इनको बोलते हैं यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, नंबर वन बर्ड हीगलर, बी आई आर डी बर्ड हीगलर, H E I G L E R S, Bird Heglers and Corporation, कंपनी भी कह सकते हो। सेकेंड वॉज एंड्रयू यूल, A N D R E W, एंड्रयू यूल, Y U L E, क्या है ये? एजेंसीज हैं, एजेंसीज हैं, ये कंपनीज होती थी जो डील करती थी, डिसीजन लेती थी सारा। जार्डिन एंड स्किनर, J A R D I N E, जैसे हम कहते नहीं जॉनसन एंड जॉनसन है ना, जहां ब्रिटिशर्स थी सर,
जार्डिन एंड स्किनर, SKINER, ये तीनों ही जो एजेंसीज थी ये फॉरनर थी, नो इंडियन मेंबर वाज देयर, दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मेनी इंडियंस दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द फॉरेन कंट्रोल, मेनी वर्कर्स दे वर एक्सप्लॉइटेड, दोज हु वर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, एंड वर्कर्स कहाँ से आते थे, मेन आपकी बुक में प्लेस है रत्नागिरी, बॉम्बे के आसपास रत्नागिरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द वर्कर्स, फ्रॉम वेयर वर्कर्स दे केम इन द फैक्ट्रीज ऑफ बॉम्बे, एंड कानपुर के आसपास विलेज एरिया से आते थे। क्या इनको काम अपने आप मिल जाता था? नो no. उसके लिए कौन होते थे? नो no, गुमाश्ता नहीं है यहाँ पे, जॉबर्स। जॉबर का काम क्या होता था? जॉब दिलाना। लेकिन ये जॉबर्स कौन होते थे? इनको इंडस्ट्रियलिस्ट अपॉइंट करते थे, इंडस्ट्रीज अपॉइंट करती थी, ठीक है। ये जॉबर्स थे इंडियंस, इंडियंस होते थे ये। इनका मेन काम क्या होता था? ये काइंड ऑफ कमीशन एजेंट्स होते थे, ये कमीशन लेते थे दोनों तरह से, और इनकी विलेज एरियाज में प्रॉपर जान पहचान होती थी, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या और भी मेंबर्स के थ्रू इनको इंडस्ट्रीज में काम दिलाया जाता था। यानी कि आप ये कह लो कि अल्टीमेटली जॉबर्स जो हैं वो उनकी गारंटी रहते थे काम दिलाने के लिए ना, वर्कर्स की प्रॉपर्टी। हाँ ऐसे ही, ठीक है। एंड जॉबर्स जो थे, लेकिन अच्छा एक और प्रॉब्लम क्या थी कि जो जॉबर्स थे ये जॉब लगने के बाद वर्कर्स से काइंड ऑफ गिफ्ट्स या काइंड ऑफ जो है मनी या काइंड ऑफ कमीशन जो है वो डिमांड करते, तो उस टाइम पीरियड में जॉबर्स की जो पोजीशन होती होगी सोसाइटी में वो कितनी रिस्पेक्टेबल और वो कितना लोग वर्कर्स जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे ना। जॉबर्स वर रिक्रूटेड, जॉबर्स को रिक्रूट किया जाता था ताकि वो वर्कर्स को लाएं फैक्ट्रीज में, विलेज एरियाज दे मूव। इनका क्या ये एक ही जगह पे टिके बैठते होंगे? क्या करते होंगे? फील्ड वर्क होता होगा ना, फील्ड जॉब होती होगी। हाँ सपोज आज के टाइम पीरियड में आपको ये जॉबर की जॉब मिले तो क्या होगा? क्या आप पंजाब में ही रहोगे? यू विल बी एसोसिएटेड विद द सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज के साथ आपके कॉन्टेक्ट होंगे, इंडस्ट्रीज आपको कमीशन देंगी कि आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, और दूसरी तरफ अब ऐसा ही क्या होता है, जो जो फॉरेन ट्रेवलर्स होते हैं एमिग्रेशन करते हैं वो क्या होते हैं, जिनका काम ओवरसीज या फॉरेन ट्रेवलर्स या इमिग्रेशन में होते हैं वो क्या करते हैं? सपोज आपने फॉरेन जाना है, आप किसके पास जाओगे? एजेंट्स, एजेंट्स के पास ही जाते हो ना, एजेंट्स के पास जाओगे। एजेंट्स आपको क्या कहेंगे, क्या करना है, आपको आईएलटीएस करना है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आप उनकी गाइडेंस फॉलो करो। जब आपका वीजा आ जाएगा तो उनको क्या देना पड़ेगा? मनी देनी पड़ेगी, है ना। ऐसा ही उस टाइम पर में जॉबर्स का काम होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में इंडियन इंडस्ट्रीज को रिकॉग्निशन मिली। इंडियन इंडस्ट्रीज को रिकॉग्निशन कैसे मिली? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्रिटेन से आने वाला जो सामान था वो रुक गया, वेस्टर्न गुड्स जो हैं वो रुक गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में कंट्रीज एक दूसरे पे सामान पे अटैक ना करती तो काफी हद तक जो है ब्रिटेन से आने वाली चीजें जो है वो कम हो गई। दूसरी तरफ इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग वॉर रिलेटेड गुड्स फॉर सोल्जर्स, तो काफी हद तक ओवर टाइम नई नई फैक्ट्रीज खुली। अब वॉर रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? लाइक जूट बैग्स, क्लॉथ, आर्मी सोल्जर की यूनिफॉर्म, ठीक है, उनके बैग्स, लेदर शूज, एमिनेशन, तो ये सारा काम इंडिया में ही होने लग गए। और उस टाइम पीरियड में इंडियंस ने काफी हद तक फैक्ट्रीज में ओवर टाइम करके सोल्जर्स के लिए सामान जो है बनाया, मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी दूसरी तरफ चलती रही, वो भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तो हमारी कंट्री में आज भी लोग हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं। कभी आप गए हो किसी हैंडीक्राफ्ट फेयर में? क्या देखते हो वहाँ पे? जो भी चीजें होती हैं मशीन मेड नहीं होती, क्या होती है? हैंडमेड, हैंडमेड होती है। अभी भी आज के टाइम पर में वुडन फर्नीचर देखा आपने? वुडन फर्नीचर जो है वो भी हैंडमेड वुडन फर्नीचर, कभी मशीन नहीं होता कि लकड़ी डाल दो अपने आप सोफा सेट बेड बन जाए, वो भी हैंडमेड। इसका मतलब आज हमारी कंट्री में चाहे मशीन मेड होता है काम, लेकिन स्टिल पीपल दे प्रेफर्ड हैंडमेड आइटम्स, एंड हैंडमेड आइटम्स का जो एंटीक पीसीज होते हैं इनका, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है।
डिजाइन कॉपी नहीं होते हैं, डिजाइन यूनिक होते हैं, और जो चीज यूनिक होती है उसका प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली हाई होता है, ठीक है, क्योंकि मिल जो है वो हैंडमेड डिजाइन को प्रॉपरली कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स, लाइक यू कैन सी, ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स पुराने टाइम की जो लेबल्स लेबलिंग लेबल है, ये जो पुराने टाइम की चीजों को बताते हैं कि कैसे उनको एडवर्टाइज किया जाता था। नंबर वन आप देखोगे सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की फोटो लगाई गई है ग्राइप वाटर कैलेंडर ऑफ 1928। इसमें कृष्णा की जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इमेजेस लगाई जाती थी ताकि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को रिलीजियस कन्वर्ट किया जाए, ताकि लोग जो हैं उनको खरीदें, रिलीजियस, उसको रिलीजियस जो है वो टर्न किया गया ताकि लोग जो है उनको खरीदें। इसके बाद सेकेंड एक और जो है वो गॉडेसेस, लॉर्ड गॉडेसेस शो की गई हैं, सरस्वती। अच्छा एक है महाराजा रणजीत सिंह, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर महाराजा रणजीत सिंह के लेबलिंग लगाई गई कि वो बहुत पावरफुल थे, ब्रेव थे। तो ये इंडियन है, इंडियन के फीचर क्या होते हैं, ब्रेव। तो आपको आप अगर इंडियन हो तो आप इंडियन इंडियन गुड्स खरीदो, तो दोनों ही अच्छा कई बार ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो बड़े क्लेवर होते थे, वो ब्रिटिश गुड्स के ऊपर इंडियन इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस लगाकर चीजों की एडवर्टाइज करते, है ना। तो फिर धीरे धीरे लेबलिंग स्टार्ट हो गई। लेबलिंग का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी तो मतलब लोगों ने दूसरे जो इंडियंस थे उन्होंने इंडियन गुड्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बाय राइटिंग इफ यू आर इंडियन देन बाय, जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना इफ यू आर इंडियन बाय इंडियन, तो उस टाइम पर में स्वदेशी, स्वदेशी वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ। देन इसके बाद मेथड क्या क्या होते थे, कैलेंडर्स पुराने टाइम पीरियड में जिसमें ईयर का पूरा रिकॉर्ड होता है, मंथ का रिकॉर्ड होता है, कैलेंडर्स के ऊपर भी चीजों को एडवर्टाइज किया जाता था, ठीक है। और हाँ अभी भी होता है, कंपनीज करती कैलेंडर्स, डायरीज, डायरीज निकालते हैं वो, डायरीज निकालते हैं ना। देन इसके अलावा इमेजेस को यूज किया गया, गॉड एंड गॉडेसेस की इमेजेस को यूज किया गया, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें शो करते हैं कि एट दैट टाइम एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, जब टीवी न्यूज़पेपर वगैरह ये नहीं होता था, फिर भी लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए इनको यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न करने हैं, क्योंकि अब लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके इस चैप्टर के होंगे नहीं, है ना। और वैसे भी ये जो चैप्टर है वो आपका सिर्फ किसमें है, ठीक है। अब आप फिर से बच्चे जो वर्ड्स हैं ओरिएंट, ओरिएंट कंट्रीज कौन सी हैं, मैं आपको दो कंट्रीज बताऊंगी इनमें से रिकॉग्नाइज करो ओरिएंट कौन सी है। ओरिएंट कंट्रीज इंडिया और अमेरिका, इंडिया, व्हाई इंडिया कॉल्ड ओरिएंट, एक तो वो मेडिटेरियन सी क्रॉस करके है। पुराने टाइम पीरियड में जो वेस्टर्न लोग थे, यूरोप के लोग, वो सोचते कि जो कंट्रीज मेडिटेरियन क्रॉस करके हैं ईस्ट की तरफ है वो क्या है, पास्ट, वो पुराने टाइम में जी रहे हैं ईस्ट में, ईस्ट मतलब जो ईस्ट कंट्रीज में है, ईस्टर्न एरियाज में है, वो पास्ट में बिलीव ज्यादा करते हैं और वो मॉडर्न नहीं है और वो अभी भी पुरानी चीजों में जो है अलादीन जैसी चीजों में विश्वास करते हैं, ओरिएंट्स कहते थे। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटो, प्रायर और अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या किसी भी चीज का पहला, प्रायर, ओके। ईटी पॉल की जो बुक है उसका कवर पेज क्या है, डॉन ऑफ द सेंचुरी, कौन से ईयर में पब्लिश की गई, 1900। Who devised spinning jenny? James Hargreaves. कौन से ईयर में, 1764. What was the main specialty of this spinning jenny? It can replace, it can do the work of 100 laborers. What is the meaning of sepoy? SEPOY, सिपाही, ब्रिटिशर्स जो थे, हम कहते हैं ना सिपाही, सोल्जर को सिपाही कहते हैं।
वो लोग सिपाही हिंदी का वर्ड मतलब प्रॉपर यूज नहीं करते थे, सिपॉय। वो इंडियन सोल्जर होते ही इंडियन ही थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में जो होते थे उनको क्या बोलते थे, सिपॉय। मीन दिस इज हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस द वर्ड सिपाही, मीनिंग एन इंडियन सोल्जर इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश, यानी कि इनको सैलरी कौन देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। In which year first iron and steel works in Jamshedpur was set up? 1912. Who set up this? J.N. Tata. Full name of J.N. Tata? Jamsheth. Seth कहते थे वैसे तो Seth, Jamsheth ji. Jamsheth ji Nusran Vanji Tata. उन्हीं के नाम के ऊपर जमशेदपुर का नाम पड़ा, जमशेदपुर, ठीक है? Yes, तो ये था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर। तो आगे आ जाओ, यूरोप का चैप्टर है, इसके भी हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज में, लास्ट से डिस्कस करती हूँ बच्चे। आपकी कुछ एलिगरीज हैं, ठीक है, और बाल्कन एरियाज। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप, हाँ, कौन सा एरिया था? बाल्कन एरिया। अब बाल्कन एरियाज के ना मैं अलग अलग आपको नेम बता रही हूँ, कई बार आपको कोई भी नेम रिकॉग्नाइज करना आ सकता है। हाँ जी विनीत, लीव द शेडिंग पार्ट। रोमानिया, बल्गारिया, ये कंट्रीज के नेम है, इनमें से कोई भी आपको रिकॉग्नाइज करना आ सकता है कि कौन सा बाल्कन का पार्ट नहीं था। अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, ये सारे बाल्कन एरियाज थे। पांच छह बार पढ़ोगे तो आपको एरियाज, मॉन्टेनेग्रो, MONTENEGRO। स्लेव्स किनको कहते थे? SLAVS, यस, इनहेबिटेंट्स ऑफ बाल्कन्स। अंडर विच एम्पायर दीज वर कंट्रोल्ड? ऑटोमन। ऑटोमन वर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस? ऑटोमन, मुस्लिम्स। ऑटोमन एम्पायर जो था मुस्लिम के अंडर था, एंड दैट्स व्हाई दे सफर्ड, वो मुस्लिम्स थे एंड दे कंट्रोल्ड ग्रीक पीपल। ग्रीक कौन थे? दे क्रिश्चियंस, दे वर क्रिश्चियंस, ठीक है। देन विच कंट्रीज वांटेड टू ग्रैब दीस स्लेविक एरियाज? चारों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज बताओ, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ग्रुप के नेम लिखो, रशिया, जर्मनी, सारी कंट्रीज जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की हुई है। मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की लड़ाई का रीजन ही क्या था? बाल्कन एरियाज। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एरियाज को? बाल्कन टेंशन। टेंशन का मतलब दिस वाज द मेन रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये दोनों ही इमेजेस जो हैं वो जर्मनिया की हैं, दोनों ही इमेजेस जो हैं वो जर्मनिया की हैं, पर ये जो है ये विक्ट्री नहीं है ना, फॉलन दिखाई गई है। फॉलन का मतलब हाँ अंडर द रूल है, और ये जो है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट। तो फिगर जो है उसको आपने अच्छी तरह से एलिगरीज को रिकॉग्नाइज करना है। अब इनके एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, नंबर वन, ब्रोकन चेन क्या शो करती है? लिबर्टी। और इनकी जो ड्रेस है उसके ऊपर ईगल क्या रिप्रेजेंट करती है? ईगल, ईगल स्ट्रेंथ कह लो, ब्रेवरी कह लो ना। ओके, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है, पीस, हीरोइज्म, सॉरी हीरोइज्म, क्राउन है, क्राउन है, क्राउन है तो क्या हो गया? हीरोइज्म। एंड अगर स्वॉर्ड पकड़ी हुई है हाथ में तो रेडी टू फाइट, रेडी टू वॉर। और उस स्वॉर्ड के ऊपर ऑलिव की ब्रांचेस हैं कि वो लड़ने के लिए भी तैयार है, एज वेल एज शी इज रेडी टू मेक पीस आल्सो। Then, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर, वो इनके फ्लैग के कलर थे उस टाइम, जिस टाइम पीरियड में इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का टाइम था। Then, rays of rising sun, beginning of new era, ठीक है। सपोज ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना। तो ऐसे पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करो,
ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने बनाई थी? पेंटर कौन थे? क्या नाम है पेंटर का? पढ़ो ना इनको, डेलाक्रॉस। दिस पेंटिंग वॉज फ्रेंच पेंटर है डेलाक्रॉस, फ्रेंच पेंटर जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। इसमें किनका दुख दिखाया गया है? ग्रीस। हाँ, देवर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, सिंपति दिखाई गई है ग्रीक पीपल की, सिंपति दिखाई गई है इसमें। अच्छा, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है? ओके, किसने बनाई? पैट्रिक सोरियो। फोर प्रिंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अच्छा, इसमें जो पिक्चर है ये देखो, कौन सा फोर्ट दिखाया गया? डिमोलिश। कौन सा फोर्ट डिमोलिश करते दिखाया गया है? इसमें फोर्ट दिखाया गया है, डिमोलिश किया उसको। फ्रांस का है पैलेस ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल का फोर्ट दिखाया गया डिमोलिश करते हुए। सो रिवाइज द टॉपिक प्रॉपरली बेटा थॉरली। ठीक है, एनी डाउट?